अल्लाह वालेकुम उम्मीद है कि सब ठीक होंगे खुश होंगे और अपने घरों में मज़े में होंगे जी तो मैं आज वी बना रही हूँ ऐसे तो हम हर रोज़ कोई ना कोई वी बना ही लेते हैं अपने घर के कामों में ग्रोसरी शॉपिंग में क्लीनिंग में और इस तरह के बहुत सारे वी हम शेयर कर लेते हैं लेकिन आज मैंने कहा मैं चलो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना लेती हूँ बच्चों की हेल्थ के बारे में और उनके फूड के बारे में हेल्थी फूड डाइट के बारे में जी तो मैंने सोचा के कुछ आइडिया आप लोग के साथ भी शेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं ना बच्चों को फ्रूट बना आ, काट रही हूँ बना के दे रही हूँ एक तो हमारे बच्चों के साथ ये मसला होता है कि हम फ्रूट तो घर में काफ़ी सारे लेकर आते हैं लेकिन बच्चे जो होते हैं तो उनके सामने खुद काट के ना रखो तो वो खुद अपनी अ, अपनी हेल्प खुद नहीं करते ये काने की चीज़ों में ये बहुत ही आ, वो होते हैं पीछे होते हैं तो मैं अक्सर जब भी फ्रूट लेकर आ जाती हूँ तो आ, मेरे घर ख़राब हो जाते हैं जब तक मैं काट के ना दूँ तो मैंने यह, आ, यहाँ पे ये यहाँ पर यह इनको माल्टे ये सारे जितने भी है ये मैं कोल के पूरा एक पैक मैंने लिया है उसको कोल के तो आ, रख दूँगी साथ में बनाना रख लूँगी साथ में ग्रेप्स रख लूँगी तो इस डिफ़रेंट वैरायटी के फ्रूट्स एक तो घरों में पड़े पड़े ख़राब भी नहीं होंगे और दूसरा ये कि इनको सब कुछ काट के दो ना तो इनको डिफ़रेंट um, वैरायटी के फ्रूट और इसी तरह मिनरल्स और विटामिन एवरीथिंग जितने भी है वो एक ही टाइम में इनको ख़ुराक में मिल जाएंगे तो ये मैं काफ़ी दिनों से ये आइडिया सोच रही थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं क्योंकि मेरे बच्चे को बच्चों को जब तक फ्रूट सामने रखो और बिल्कुल साफ़ सुथरा तो वो बिल्कुल खुशी से खा लेते हैं इस तरह मैं कहती हूं कि हर एक बच्चा जित जो भी है अगर उनके साथ ये स्नैक्स ये फ्रूट्स वग़ैरह जितने भी है वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए उनको थोड़ा सा प्लेट सजा के रखो ना तो ये काफ़ी ख़ुशी से खाएंगे जिस तरह अब ये मेरे बच्चे खुश हो रहे और आप लोग को इस तरह ये वीडियो में देख दिखा रहे और खुश हो रहे कि ये देखे हम फ्रूट का रहे तो इसी तरह जो मेरे अब मेरे साथ ये मेरे अंगूर जो थे मेरे साथ काफ़ी कम पड़े हुए थे और अगर ये इसी तरह तोड़े थे दाद में होना तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी उठा के नहीं खाएंगे तो बस मैंने कहा ये ख़राब होने से पहले पहले इनको खिला दो तो मैंने इन ये सब कुछ साफ़ करके इनको रख दिया अब और फ्रूट मेरे साथ कम थे जिस तरह स्ट्रॉबेरी हो गया और इस तरह और भी जितने भी फ्रूट हैं तो अगर आप तोड़े तोड़े मकदार में इनको रखें ना तो इनके सामने रखें तो ये भी हो बहुत खुशी से कालेंगे एक तो ये है एक ये है कि इनको पता भी नहीं चलेगा और इनको ना एक हेल्थी फूड डाइट मिलेगी इससे अच्छा है कि हम कोई स्नैक्स और केक्स और बाहर की चीज़ें इनको खिलाए तो ये अंदर के जितने भी फ्रूट हो गए तो मैं कहती हूँ कि इसी पे पैसे खर्च करने चाहिए ये देखे और अब ये मैंने पूरा ये स्लेट का से, सेलेड का प्लेट काटा है सॉरी क्या कह रही हूँ पूरा सैलड मैंने काटा है ना प्लेट पर के तो ये मैं अक्सर खाने के टाइम इनको देती हूँ और ये खुशी से पूरा प्लेट ही ख़त्म कर लेते हैं और हम भी साथ में का लेते हैं और खाने में ये अच्छा भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कुछ आ, 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 फाइबर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है अच्छा फिर यह है आ, अनार जो मैं काट बच्चों को काट के क्योंकि ये इस, इसको कोला मुश्किल होता है और बच्चे कभी भी खुद से नहीं खाएंगे तो इसको मैंने काट के इनको दिया तो ये दो तीन दिनों के क्लिप्स जो मैंने छोटे छोटे कटे किए हैं और इधर मैं आपको मल्टी विटामिन दिखा रही हूँ तो ये मल्टी विटामिन रोज़ाना मैं बच्चों को ख़ुराक में शामिल कर आ, देती हूँ इसलिए कि अगर रोज़ाना बच्चे जो है वो खुराक में तो काफ़ी तंग करते हैं जिसकी वजह से ये अपने खुराक में जो इनको रोज़ाना के मामूल में जितने विटामिन चाहिए वो इतना नहीं लेते और वैसे भी हमारे खुराक इतने अच्छे भी नहीं होते कि हम जितने हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है रोज़ाना के माम, आ, के लिए डेली लाइफ में जितनी भी हमारी ज़रूरत होती है विटामिनस की तो ना सिर्फ बच्चों की बड़ों की भी हम वो पूरा ख़ुराक में नहीं लेते तो मैं हमेशा बच्चों को ना रोज़ाना बचपन से ही एक टेबलेट ज़रूर देती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ के लिए ये विटामिनस काफ़ी काम करते हैं तो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ तो हमारे तो यहाँ पे सूरज नहीं निकलता तो विटामिन डी तो ये ज़रूरी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को देने के लिए बहुत ही जरूरी है ये एक तो हेल्थी बोन्स और ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये ओमेगा थ्री जो है ये अम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है तो सर्दियों में तो ये मैं हमेशा इनको देती हूँ इससे तो ये ये है कि इनको जो नज़ले ज़ुकाम जो लगते हैं ना तो वो बेचारे इतना तंग नहीं होते क्योंकि इनका अम्यून सिस्टम ओमेगा थ्री से बूस्ट होता है तो ये बेचारे अगर लग भी जाए ना तो इतना तंग नहीं ये बेचारे इतना तंग नहीं होते तो जिनके बच्चे ना आ, अच्छा खुराक नहीं लेते या खुराक में तंग करते हैं तो उन पेरेंट्स के लिए चाहिए कि वो मल्टी विटामिन अपने बच्चों को ख़ुराक में ज़रूर शामिल करें ताकि इनकी हेल्थी ग्रोथ हो सके अच्छा फिर यहाँ पे है ये प्रोटीन्स यानी ड्राई फ्रूट्स जिसमें प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी तदाद में होती हैं तो सर्दियों में ज़रूर शामिल करें और ज़रूर बच्चों को अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर बच्चों को दिया करें तो ये सब हमारी आ, एक नॉर्मल पर्सन की हेल्थी डाइट है अब ये देखे हमारे मेरे बच्चे बहुत ही वो है आ, वो नहीं लेते ड्राई फ्रूट तो मैंने इधर स्मूदी में इसको शामिल कर दिया है तो ये ये मिल्क शेक में का भी लेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा तो बस यही तक था आज का भी लोग अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा